अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पिछले दिनों हल्द्वानी लाल कुआ और चोर गलिया क्षेत्र में भारी मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि घरेलू सामान और राशन भी नष्ट हो गए हैं, साथ ही नदियों से खेतों का कटाव भी जारी है। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी के निर्देश पर नुकसान का आकलन करने के साथ ही तत्काल राहत राशि भी दी जा रही है। जिला प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन कर 24 घंटे के भीतर राहत राशि पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हल्द्वानी तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि अब तक आपदा निधि के तहत 48 परिवारों को सहायता राशि प्रदान कर दी चुकी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कुछ कुछ जगह पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिससे कुछ लोगों के घरों में पानी भरा और उनके राशन का तथा कपड़ों का नुकसान हुआ है, जिसके कारण मानकों के तहत राशि का वितरण किया जा रहा है। ऐसे कुल 48 परिवार हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिनको अभी तक भुगतान किया जा चुका है। आपने पहली बार किया है, काफी आपदा आ रही है, पानी हर जगह पानी का भराव हो चुका है, और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी चोरगलिया क्षेत्र में ग्राम आमखेड़ा के मुखानी खड़कू गांव है, उसमें 8 तारीख को रात्रि में काफ़ी पानी भर गया था, पूरे घरों में पानी भर गया था, जिसके सवेरे हमें प्रशासन को सूचित किया गया। प्रशासन से पटवारी जी और अन्य अधिकारी जी आते यहाँ पर जाँच की गई, और उसमें प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत चेक दिए जा रहे हैं, जिसके में 5,000 की धनराशि है। इससे क्षेत्रवासी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बहुत ही नुकसान हुआ, जैसे कि हमारे राशन कपड़े।